हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है मोहित राज। दोस्तों, आज आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोटो के पीछे का बैकग्राउंड को ब्लर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज यही मैं बताने वाला हूँ। तो फ़ोटो को बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए एक एप्लीकेशन होता है जिसका नाम है स्नैपसीड। आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्नैपसीड को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर स्नैपसीड पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर देख लीजिए, टैप एनीवेयर टू ओपन ए फ़ोटो। तो यहाँ से टैप करना है और फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने प्लस पे क्लिक कर दिया और गैलरी पे क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ से कोई भी पिक ले लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मेरे यहाँ पे पिक पड़ी हुई है, तो मैं ये पिक ले लेता हूँ। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद यहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट आ जाएंगे। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, अन्यथा रहने दीजिए। यहाँ पे कुछ थोड़ी देर प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद देख लीजिए फ़ोटो कितनी चेंज हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ टूल्स, टूल्स पे क्लिक करिए। टूल्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड ब्लर करना है। तो ब्लर करने के लिए यहाँ पर टूल्स में आइए। टूल्स में आने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ लेंस ब्लर, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपके लेंस ब्लर ऑटोमेटिक आपको जितने में छोड़ना है उतना रहने दीजिए। बाकी आपका मान लीजिए मैं यहाँ पे इतने को रहने देता हूँ और बैकग्राउंड अपना ब्लर करना है, तो इसको यहाँ पे फुल कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे बैकग्राउंड मेरा ब्लर हो चुका है। ये देखिए, सारा बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। तो हमारा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।